एक बार बनाएंगे तो एक महीने तक खाएंगे और रोज़ रोज़ के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। आज की रेसिपी है मूंग दाल की पपड़ी। इसमें एक ही रेसिपी के अंदर आप दो दो स्वाद ले सकते हैं, मूंग दाल की पपड़ी चाट और मठरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये नाश्ता जल्दी से बनके तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर मठरी भी बनाई है और मूंग दाल की पपड़ी चाट भी बनाई है। ये देखें बहुत ही टेस्टी लग रही है और हेल्दी भी है। तो मैंने नाश्ता बनाने के लिए एक कटोरी मूंग की दाल ली है। मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इसे मैंने 4 घंटे तक भिगो दिया है। अब मैं इसके छिलके निकाल रही हूँ। तो अच्छी तरह से धो के मैंने मूंग की दाल के छिलके निकाल दिए हैं। आप चाहे तो बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। अब मैं इसे मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, हल्का सा दरदरा रखूँगी और इसी में मिला दूँगी मैं जीरा और काली मिर्ची। मैंने 8-10 काली मिर्च के दाने लिए हैं और 1 चम्मच जीरा लिया है। आप चाहे तो सौंफ भी मिला सकते हैं। और ये देखिए मूंग की दाल का पेस्ट तैयार हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये हल्का सा दरदरा है। अब मैं इसे एक परात में निकाल लूँगी। अब इसमें मसाला मिलाना है तो स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है और चिली फ्लेक्स मिलाना है और 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके मिला देंगे। अब मूंग की दाल के इस पेस्ट में हमें मिलानी है सूजी, जिससे क्या होगा कि हमारा डो तैयार हो जाएगा मठरी बनाने के लिए। तो सूजी का कोई मेजरमेंट नहीं है, जितने से मतलब आटा लग जाए मठरी बनाने के लिए उतनी ही हमें सूजी मिलानी है। तो थोड़ी थोड़ी सी सूजी मिलाते जाना है हमें, हमें पानी का यूज़ नहीं करना। और मैं इसमें तेल डालना भूल गई, तो हमें इसमें तेल डालना है। और मैं यहाँ मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और ये बची कुची सूजी भी मैंने इसमें आटे में मिला दी। और हमें आटा लगाना है, मतलब सख्त आटा लगाना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना क्योंकि मैंने यहाँ पर सूजी ली है। तो सूजी के दाने वैसे भी मोटे होते हैं, तो इस आटे को हमें रेस्ट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आटा ढीला था तो थोड़ा सा टाइट और करेंगे। तो मैंने 1/2 कटोरी सूजी और मिला दी है। जितनी सूजी पेस्ट में लगेगी तो हमें उतनी ही सूजी मिलानी है जहाँ तक इसका आटा तैयार नहीं हो जाए, यही इसका मेजरमेंट है। जितनी दाल लेनी है उसका दाल लेके उसका पेस्ट बना लो और जितनी उसमें सूजी मतलब समा जाए उसमें आटे में, उतनी सूजी का हमें आटा लगा लेना है। तो ये देखिए अब इसे रेस्ट के लिए ढक के रख देंगे 10-15 मिनट। तो 10-15 मिनट बाद हमें आटे को सेट करना है। तो ये अच्छे से आटा मतलब ये जो सूजी के दाने अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखें हमें फिर से आटे को अच्छे से मसल मसल के चिकना करना है, क्योंकि जब भी हमारी मठरियाँ अच्छे से कुरकुरी बनेगी, वरना मठरियाँ बहुत टाइट हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको आटा दिखाती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा ऑयल डाल के इससे अच्छे से चिकना कर देना है और फिर से इसे एक बार अच्छे से मसल मसल के गूंथ लेंगे। अब उसके बाद बनाना है हमें मठरी। तो मैं आ गई हूँ कमरे में क्योंकि खड़े खड़े में पैर दर्द करने लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर गोल वाली मठरी बनानी है, तो मैंने लंबा सा ये सिलेंडर जैसा बना लिया है। अब छोटे छोटे पीस कर लूँगी मैं इसके, ताकि लोई बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि इनकी अगर लोई भी नहीं बनाई तो भी मठरियाँ अच्छे से बन जाती है। इनको इकट्ठा करके इनमें ऑयल लगा देंगे। देखें छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलन से बेल रही हूँ क्योंकि मठरियाँ हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, वरना मठरियाँ क्रिस्पी नहीं होगी। तो सभी मठरियों को हम एक एक करके बेलेंगे और बहुत ध्यान से मठरियों को बेलना है क्योंकि ये चिपकती है, क्योंकि इसमें मूंग की दाल मिली हुई है।
तो हम अच्छे से पतली 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 मटरियाँ बेल लेंगे। और खाने में ये मटरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ में हेल्दी तो है ही सही, और इसमें मूंग की दाल मिलाई तो इसे सब खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, और बुज़ुर्ग व्यक्ति जो नमकीन वगैरह बाज़ार की चीज़ें नहीं खा सकते हैं, जो बाज़ार में नमकीन आती है, तो मूंग की दाल की हेल्दी मटरी बना के आप रख सकते हैं और इसे एक महीना तक खा सकते हैं। ये देखिए हमारी सभी मटरियाँ बन के तैयार हो गई। तो मैं आ गई हूँ किचन में और तेल हो गया है गर्म। जब हम डालेंगे तो तेल का मतलब ये गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले जो मटरियाँ डाली तो मैं उनमें छेद करना भूल गई थी, तो ये मटरी की जगह बन गई है पपड़ी, मतलब ये बन गई है हमारी पानी पूरी। तो इसकी मैं बना लूँगी पपड़ी चाट। ये देखिए सारी मटरियाँ अच्छे से फूल गई है, तो हमारी पपड़ी चाट बन के तैयार हो गई है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी तो बना ली थी मैंने पपड़ी चाट दही डाल के, जो कि सबको बहुत ही पसंद आई और हेल्दी भी थी। अब मैं बनाती हूँ मटरियाँ। तो इस बार मैंने सभी मटरियों में छेद कर दिए हैं बारीक बारीक, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। तो एक एक करके सभी मटरियों को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मटरी डालने के बाद हमें लो कर देना है, वरना क्या होगा कि मटरियाँ बाहर से जल जाएगी, काली हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मटरियों को हमें लो फ्लेम में ही अच्छे से तलना है और लगातार चलाते जाना है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें चलाते जाना है, पलटना है। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन होते ही मटरी को बाहर निकाल लेना है और इन्हें जाली वाले बर्तन में निकालना है, जिससे क्या होगा ये मटरियाँ क्रिस्पी रहे। तो मैंने ये देखे फिर से मटरी डालना शुरू कर दिया है कढ़ाई में एक एक। और इन मटरियों को आप ज़रूर बना के देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है और टेस्ट के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है। और आप इन्हें चलते फिरते कभी भी खा सकते हैं, जब भी हमें चलते फिरते मतलब छोटी छोटी सी भूख लगती है तो हमें कुछ खाने का मन करता है और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम खा लेते हैं बाज़ार से लाई हुई नमकीन, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती। तो फिर हम इस तरह मटरी बना के रख लेंगे तो ये मटरियाँ एक महीने तक आराम से चल जाती है, जो आप कभी भी खा सकते हैं, सवेरे की चाय के साथ खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, और आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी इन मटरियों को रख सकते हैं, और ऑफिस से आने के बाद यदि आपको भूख लगे तो आप इन्हें आराम से खा सकते हैं, और आप चाहो तो इन्हें टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं ऑफिस में और आराम से एक एक मटरी खा सकते हैं, और ये मटरियाँ सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी इसी तरह से मटरियाँ ज़रूर बना के देखना। और ये देखिए हमारी फिर से मटरियाँ बन के तैयार हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी मटरियाँ हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए हमारी ये जो पतासी, पानी पतासी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये भी बन के तैयार हो गई है। तो आपको मेरी ये मटरी की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई या नहीं बनाई, और मेरी रेसिपी में क्या कमी रह गई वो भी मुझे लिखकर ज़रूर बताना, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं तो ये भी ज़रूर बताना। और इस रेसिपी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक ही रेसिपी के अंदर दो चीज़ें बनकर तैयार हो जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और सभी चीज़ें हमें घर पे मिल जाती है। तो आप बनाकर ज़रूर देखिएगा।